हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स पहला चैप्टर है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बच्चों को यही चैप्टर क्लियर नहीं होता कि इसमें हमने पढ़ा क्या था, इसमें एग्जाम में आने क्या वाला है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसीलिए आज 10 पॉइंट्स की हेल्प से हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो कॉपी और पेन निकाल के जरा ये 10 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला है NWZ, जो कोई टॉपिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स के बेसिक इनिशियल्स हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर्स एंड Z फॉर इंटीजर्स। जेड का काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता है किसके लिए स्टैंड करता है। सेकंड पॉइंट इज रेशियल नंबर। ये चैप्टर 50% या 60% रेशियल नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसका छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि रेशियल नंबर होता क्या है। वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर क्यू जीरो के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा इसका, जिसका कोई अता पता ही नहीं, जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, सपोज 1। अब 1 है, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इनका जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर्स हैं। थर्ड इज रेशनल नंबर बिटवीन होल नंबर्स, यानी इस केस में हमें दो होल नंबर्स दिए होंगे जिनके बीच के हमें रेशनल नंबर निकालने होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर बिटवीन फ्रैक्शंस। जैसे इसमें होल नंबर्स दिए थे, ऐसे इसमें रेशनल नंबर बिटवीन 2 फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन दे रखी होंगी, उसी के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने होंगे, वो भी आगे करेंगे। फिर है स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन, क्योंकि होल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है, डेसिमल नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन रूट नंबर्स को भाई देखो, आप जैसे अगर 2 आपको कोई करने को बोले रिप्रेजेंट, तो ये रहा 2, यहां पर 2 हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन अब क्या होगा अगर आपको कोई √2 रिप्रेजेंट करने को बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिपेंड करता है डिवीजन और डेसिमल एक्सपेंशन पे, यानी जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 0 नहीं आया, डिवाइड होते चला गया, होते चला गया, होते चला गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट इज प्रूविंग डेसिमल नंबर एज रेशियल नंबर। इसमें हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए होंगे जिसे हमें रेशियल नंबर यानी पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल हमने पहले भी करे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा है कि डेसिमल कुछ इस प्रकार के होंगे और थोड़े आगे भी हो सकते हैं। जैसे हम जूम नहीं करते रहते नंबर लाइन को, वो वाला हमें इसमें देखने को मिलेगा, आपकी बुक में पिक्चर भी होगी इसकी। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर यानी रूट नंबर्स। रूट नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस आप समझते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सिंप्लीफिकेशन, दैट इज अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक साथ हो, प्लस माइनस एक साथ हो, सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन आपको आगे तक काम आएगा 12th क्लास तक रूट नंबर्स की केसेस में, ठीक, ये भी बहुत ध्यान के साथ पढ़ेंगे। लास्ट वन इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने 8th क्लास में ही पढ़े हैं, चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर में, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स, रूट नंबर्स और सब पर एक साथ पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये 10 पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 चैप्टर नोट्स कर लीजिए और इन पे एक बार नजर मार लेना जब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और मेक श्योर आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।